स्टार्टिंग पार्ट टू। ठीक है, इसके पहले हमने सीखा था कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो कैसे रहते थे, अपना गुजारा किस तरह से करते थे। ठीक है, अब इस चैप्टर इसमें बताया गया है पार्ट टू में कि वो लोगों क्या क्या उन्होंने मतलब क्या क्या इन्वेंट्स किया था, तो वो आज हम देखते हैं। फर्स्ट बताया गया है डिस्कवर किया गया है केव ऑफ भीमबेटका। जैसे कि आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये भीमबेटका का केव है, मतलब कि अलग अलग गुफाएं आपको दिख रही होगी जो नेचुरली बनी हुई हैं। नाउ हियर सम डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस। जैसे कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था, एक तो फायर डिस्कवर किया था और व्हील्स बनाए थे। ठीक है, तो वो उसका क्या यूज़ करते थे वो हम देखते हैं। रूइंस ऑफ एशेस फाउंड इन द केव्स ऑफ द प्रिमिटिव मैन इन अ कुर्नल इन साउथ इंडिया। ठीक है, उनको इस तरह की केव मिली थी, किसको, पुराने ज़माने के जो इंसान थे उन लोगों को, कहाँ पर, तो कुर्नल में जो है साउथ इंडिया के साइड में। इंडिकेट दे वेयर फैमिलियर विद द फायर एज पर हिस्टोरिशियंस अप्रॉक्सीमेटली 11,000 ईयर्स एगो ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर। यूज ऑफ फायर हैड रिवॉल्यूशनाइज देयर लाइफ बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इट दे कुड कुक द मेट एंड ईट गेट लाइट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। जैसे कि अभी इसके अंदर फायर के बारे में बताया गया है कि शायद उन लोग में ऐसा हो गया होगा कि वो लोग पत्थर घिस रहे होंगे दो, तो एकदम से आग आई होगी, तो इस तरह से वो चीज़ शुरू हो गई। जैसे कि अभी उनको पता चला कि ये आग हो रही है, तो चलो हम जो एनिमल्स वगैरह जो हंट करते हैं, जो हंटिंग करके हम जो एनिमल्स लाते हैं, तो क्यों ना इस आग में डाल के उसको पका के खाया जाए। तो उनको वो टेस्ट बहुत ही अलग लगता था, मतलब पहले से वो अच्छा लगता था, पहले तो वो कच्चा खा जाते थे और अभी उसको पका के खाते हैं, तो उनको वो टेस्ट अच्छा लगने लगा, मतलब थोड़ी बहुत जो है इम्प्रूवमेंट उन लोगों में आने लगी। नाउ अदर देन फायर देयर लाइफ दे लर्न टू मेक अ व्हील फ्रॉम ट्री ट्रंक एंड थिक वुड। अब उनको एकदम से फिर क्या आता है दिमाग में कि जैसे चलो अपनी थोड़ा बहुत जो व्हील होती है वो व्हील बनाते हैं, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ आइडिया आ जाते हैं, तो वो लोग व्हील बनाना स्टार्ट करते हैं। जो थिक वुड होता है, मतलब कि बहुत मोटा सा जो वुड होता है उससे वो बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है। अराउंड 12 इयर्स एगो देयर वाज अ विश अ वाइड स्प्रेड चेंज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड। अब धीरे धीरे वहाँ का जो वातावरण है उस दुनिया मीन्स अपने दुनिया का वो चेंज होता जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो अपना टेम्परेचर होता है उसमें इंक्रीज होने लगता है। वेजिटेशन एंड ग्रास फील्ड स्टार्टेड ग्रोइंग इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड के अंदर वेजिटेशन बनने लगते हैं, ग्रास मतलब कि जैसे फार्मिंग करने के लिए ये सब चीज़ें ग्रो होता रहता है। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स जिसे हम कहते हैं हार्बिवरस। अब जो किसी को वेजिटेबल्स पसंद है तो किसी को नॉन वेजिटेबल्स पसंद है, तो उन इंसानों को मतलब पुराने ज़माने के इंसानों को ये चीज़ भी पता चलने लगती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं हार्बिवरस कहते हैं। लाइक अ डियर शीप गोट एक्सेट्रा इंक्रीज, अब ये सब इंक्रीज मतलब ये चीज़ बढ़ने लगती है। प्रिमिटिव मैन सर्टनली गॉट बेनिफिट्स ऑफ इट, और उनसे ये चीज़ उनको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। दे स्टार्टेड स्टडिंग दिस एनिमल्स बिहेवियर एंड दस योर मेंटल डेवलपमेंट स्टार्टेड। अब वो एनिमल्स की तरह जो बिहेव करते लगते हैं तो थोड़ा थोड़ा बहुत जो है वो एकदम मेंटली टाइप से वो स्टार्ट होने लगता है। दे केम इन कॉन्टैक्ट विद ग्रास ट्रीज वेजिटेशन एज वेल एज वीट बैरले एंड अदर ग्रेन्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब जैसे कि क्लाइमेट चेंज होता है तो उसी तरह से ग्रास उगते हैं, ट्रीज होता है, वेजिटेशंस निकलने लगते हैं। वेजिटेशंस में जैसे कि वीट होता है, बैरले होता है, ये सब ग्रेन्स हैं वहाँ पर चेंज होते रहते हैं बाय यूजिंग स्टोन्स वुमेन मैन एंड चिल्ड्रंस कलेक्टेड ग्रेन्स। और ये चीज़ वो लोग किस तरह से निकालते थे, स्टोन का यूज़ करके ये चीज़ें कलेक्ट करते थे, जो मतलब ग्रेन्स को कलेक्शन करना लगते थे। बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियस इंसेक्ट स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया, और इस तरह से धीरे धीरे हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट होने लगा। पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन्स टू ग्रो ग्रेन्स, और जैसे कि अभी जो पुराने ज़माने के जो इंसान थे वो लोग फिर जो ग्रेन्स थे उसको उगाने लगते थे, किसके किसका यूज़ करके, स्टोन का यूज़ करके। दे स्टार्टेड
एंड अदर मटेरियल्स इन नियर बाय एरियाज. इस तरह से वो मटेरियल्स अलग अलग जगह पे करने लगते थे. एज अ रिजल्ट ऑफ देयर नॉमेडिक लाइफ केम टू एन एंड एंड स्टार्टेड अ सेटल लाइफ. अब जैसे कि बंजारों जैसी वो लोग जिंदगी जीते थे, अब उससे वो एकदम सेटल लाइफ जीने लगने लग जाते हैं. द फर्स्ट कंपेनियन और अ फ्रेंड ऑफ हिज सेटल लाइफ वॉज ए डॉग. और इस तरह से उनका फर्स्ट कंपेनियन फ्रेंड जो था वो था डॉग. इट मीन्स वो अब थोड़ी धीरे धीरे उनकी जो लाइफ है वो सेटल होने लगती है. बिसाइड ही वॉज ऑल्सो एनिमल्स प्रोटेक्ट फैमिलियर विथ शीप, गोट, काउ, बफेलो, पीग एक्सेट्रा. तो ये सब चीज़ों के साथ वो अपनी एक फैमिली बनाकर उनको रखते थे अपने साथ. ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद दैम टू. और इस तरह से वो अपना जो लाइफ जो थी वो एकदम से एडजस्ट करने लग जाते हैं. दिस एनिमल्स प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. जो ये एनिमल्स होते थे वो लोग इन्हें किससे प्रोटेक्ट करते थे? वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते थे. Thus they associated with animals, husbandry also along with the farming. However, research in being carried out to find out how long he had been using animals to get milk. तो धीरे धीरे फिर उनको पता चलता है कि इनका दूध भी पीना बहुत ही सही रहता है. Okay, now here, settled life, food, shelters and क्लोथिंग. ठीक है, अब सेटल लाइफ में हमें इनको धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें मिलती है तो वो बताया गया है. अर्ली लाइफ एंड एपिस्टोरियल्स एक्टिविटी, जैसे कि उनकी इतनी सारी एक्टिविटी पूरी लाइफ में जिनको इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज जो मिलती है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं प्रिमेटिव मैन से लाइफ इंटू सेटल लाइफ में हो जाती है. वी नो दैट एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट बिकॉज इट टेक्स सम टाइम फॉर अ क्रॉप्स टू ग्रो. अब उनको एग्रीकल्चर में पता चलता है कि इस जगह पे हमें इस तरह से क्रॉप्स को उगाना होता है. इट नीड्स वाटर, मतलब कि जो क्रॉप्स उगा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको चीज़ को पानी तो चाहिए ही होगा, तो ये पानी डालते हैं. क्रॉप्स हैव टू बी हार्वेस्टेड, उसका हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं व्हेन ग्रेन्स आर रेडी. और जैसे ही वो ग्रेन्स जैसे रेडी हो जाता है उसका हार्वेस्ट करना वो स्टार्ट कर देते हैं. दिस प्रोसेस लेड टू बिगनिंग ऑफ अ सेटल लाइफ इन इंडिया. इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है और फिर स्टार्ट होता है लाइफ का, मतलब कि अच्छी लाइफ जीने का स्टार्ट हो जाता है. ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग अर्थन पॉट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. अब जैसे कि अभी जो ग्रेन्स का जो हार्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम इकट्ठा मतलब जमा किस में करेंगे, तो इसलिए वो लोग क्या बनाते हैं? अर्थन पॉट्स बनाते हैं जो मिट्टी से बना हुआ होता है. As wandering life came to an end, there was widespread changes in their food habits. इस तरह से धीरे धीरे उनकी जो habit, जो food habit होती है वो change हो जाती है. Clothes पहनने का change हो जाता है और उनको घर बनाने जैसे shelter जहाँ पर उनको रहना होता है वो चीज़ में भी बहुत सी improvement आने लगती है. Along with wheat, barley, meat, they started eating fish and fruits found near their settlement. इस तरह से धीरे धीरे वो wheat, barley, meat होता है वो खाने का स्टार्ट करते हैं. फिश अच्छे लगते हैं उनको, फ्रूट्स खाना पसंद आता है. He lived in houses made up of the mud. अब जो houses होते हैं वो mud से बने हुए होते हैं तो उसके अंदर वो लोग जाके अपना गुजारा करते हैं. थैच एंड अदर सच मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल से वो अपना घर बना के उसके अंदर रहने की सुविधाएँ कर लेती हैं. He did agricultures, he made farming implements of stones which included spade, chisel and sickle. इस तरह से फिर वो धीरे धीरे जो पत्थरों से जो बनाया हुआ होता है weapons, अब उसमें ये लोग ये चीज़ से बनाते हैं और agricultures करते हैं farming के लिए use में आवे. The following table shows you the places in India where cranes, shelters, weapons and remains of animals have been found. अब ये सब चीज़ें अब देखो यहाँ पर एक टेबल बताया गया है. इस टेबल के अंदर आपको बताया गया है ग्रेन्स, सेटलमेंट्स, वेपन्स एंड एनिमल्स, जैसे कि और उनके प्लेसेस बताया गया कि ये चीज़ यहाँ यहाँ पर है. वीट, पैले, शीप, गोट, स्टोन, इम्प्लीमेंट्स, ये सब चीज़ें कहाँ मिल रही हैं उनको? मेहग्रह में मिल रहा है जो प्रेजेंटली इन पाकिस्तान में है. और राइस, बोन्स ऑफ एनिमल्स, ये सब कहाँ हैं? कोल्दी हवा जो उत्तर प्रदेश में है. राइस, शीप, गोट, स्टोन, इम्प्लीमेंट्स, ये सब कहाँ मिल रहे हैं उनको? महागढ़ में मिल रहा है जो कहाँ पर आया है? उत्तर प्रदेश में आया है. ह्यूमन सेटलमेंट्स राइनो जो है लंगनाज जो आया है अपने गुजरात में. वीट, लैंटिल, डॉग्स, पीट हाउसेस, ये सब उनको कहाँ मिल रहा है? बुरजोम एंड गुफरकल जो आया है कश्मीर में. बफेलो, बूल, इम्प्लीमेंट्स, ये सब कहाँ हैं? चिरंट जो आया है बिहार में. Now we get information about the human settlement and a cattle rearings from a place to like Burjom, Gurfral, Hurangi, Mehagram, Langnaj and Bhimbetka. तो ये सब information उनको यहाँ से धीरे धीरे मिलने लगती हैं.
फ्रॉम प्लेसेस सच एज मेहग्रो एंड इनाम गांव वी इवन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउसेस एंड फार्मिंग। ये दो जगह से उन्हें किस चीज़ का मिला, एक हाउसेस का और फार्मिंग करने का उन्हें पता चला। दे यूज टू ग्रो ग्रेन्स लाइक अ बैरली एंड बाजरा, जो वहाँ पर क्या ग्रो करते थे, वो बैरली और बाजरा ग्रो करते थे। नाउ शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम प्लेस लाइक अ मेहरग्रह एंड इनाम गांव। अब जो शार्प जो स्टोन होते थे, जो नोकदार अणीदार जो स्टोन्स उनको मिलते थे, तो वो उनको कहाँ मिलता था, मेहरग्रह में और इनाम गांव में। दिस माइट हैव बीन यूज फॉर फार्मिंग, जो किस लिए यूज आता था, फार्मिंग के लिए यूज करने में आता था। मेहरग्रह मे बी कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ द एशियन इंडिया। मेहरग्रह बहुत ही पुराना गाँव है एशियन इंडिया, मतलब बहुत ही पुराने जमाना का ही गाँव है। यू सी मेहग्रह इन द मैप फार्मिंग ऑफ बैरले एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, और यहाँ पर फिर इनका फार्मिंग स्टार्ट हुआ जो क्या था, बैरले था और वीट, जो यहाँ पर स्टार्ट होने लगा। दे रियर्ड शीप एंड गोट, जो किससे करते थे, वो शीप और गोट से करते थे। दे डिड फार्मिंग, एंड स्टोर्ड ग्रेन्स, और इस तरह से वो जो ग्रेन्स होते थे उनको स्टोर करके रखते थे। बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर, इस तरह से उनको बोन्स के जो एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं वो भी इन्हें यहाँ पर मिल जाते थे। दे लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस, तब वो कैसे हाउस में रहते थे, रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेस में रहते थे। स्मॉल बार्न्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन दिस हाउसेस, इसके अंदर उनके बार्न्स भी मिलते थे छोटे छोटे। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस फाउंड इन मेहग्रह दे हॉनर द डेड बाय बारिंग दैम, मैनी सच एविडेंस हैव बीन फाउंड हियर। एविडेंस has been found at the one place that goat was also buried along with man. This suggests their belief that there is life after death also. इस तरह से उनको पता चलता था कि हमारी लाइफ भी है और हमारा जो एंडिंग होता है, जैसे कि हम मरने के लिए होते तो जैसे कुछ हो जाता है हमें तो हम मर जाते हैं, तो ये चीज़ भी उनको धीरे धीरे पता चलने लग जाता है। In the same way, a place named इनाम गाँव has been found in Maharashtra. जो इनाम गाँव है वो उन्हें कहाँ दिखाई देता है, महाराष्ट्र में दिखाई देता है। फ्रॉम वेयर रिमेन्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ अ चिल्ड्रंस हैव बीन फाउंड, इस तरह से उनको वहाँ पे ये भी पता चलता था कि बच्चों के जो डेड बॉडीज होती थी वो वहाँ पे उनको दिखती थी। दे लिव्ड इन राउंड शेप्स हाउसेज, और तब वो उस टाइम वो कैसे हाउस में रहते थे, जो घर गोल आकार में होता था उसके अंदर। रियर कैटल्स एंड डीड फार्मिंग ऑफ बाजरा एंड बैले, फिर इस तरह से वो कैटल्स वगैरह का यूज़ करके वो फार्मिंग करते थे वहाँ पर, क्या फार्मिंग करते थे, तो बाजरा एंड बैरले का।